brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार आखिरकार खत्म हो ही गया। गुरुवार देर रात 10 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। इस लिस्ट से दो बड़े चेहरों के नाम गायब मिले तो वहीं कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए। हिसार से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए सांसद बृजेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया गया, तो वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस ने पूर्व सांसद श्रुति चौधरी की टिकट काट दी। तो चलिए अब 8 सीटों पर जानते हैं कौन कौन दावेदार हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से पूर्व सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी राव दान सिंह को टिकट मिला। करनाल से हरियाणा के पूर्व सिंह मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा को चुनावी मैदान में उतारा। रोहतक लोकसभा सीट से राज्यसभा सीट छीनने की चर्चाओं के बीच दीपेंद्र हुड्डा को ही उम्मीदवार बनाया गया। सिरसा लोकसभा सीट से कुमारी शैलजा चुनावी मैदान में उतरी। अंबाला से वरुण चौधरी मुलाना और फरीदाबाद से पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप को टिकट दी गयी। हिसार से जयप्रकाश जेपी को दावेदारी दी गयी। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दी गई है। हालांकि गुरुग्राम से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। यहां से कैप्टन अजय यादव दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस राजबब्बर को टिकट देना चाहती है। कुरुक्षेत्र की सीट इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दे दी है, जहां से सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा का है। पार्टी हाईकमान ने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पर भरोसा जताया, जबकि कयास लगाए जा रहे थे कि करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कांग्रेस बड़ा दाव खेलेगी। हिसार से टिकट मिलने की आस लगाए बैठे चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और बीजेपी के टिकट पर सांसद रह चुके बृजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला। हिसार से कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा के करीबी जयप्रकाश उर्फ जेपी को टिकट दिया। जयप्रकाश हिसार से पहले भी सांसद रह चुके हैं और हाल ही में जयप्रकाश ने आदमपुर उपचुनाव में भी भव्य बिश्नोई के सामने कांग्रेस की टिकट पर ताल ठोकी थी, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। जाट बाहुल्य हिसार सीट पर कांग्रेस ने जाट कैंडिडेट को मैदान में उतारा, तो वहीं हरिद्वार कांग्रेस अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी को सोनीपत लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। सतपाल ब्रह्मचारी हरियाणा के पूर्व सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं और भूपेंद्र हुड्डा सतपाल ब्रह्मचारी की टिकट के लिए शुरुआत से ही पैरवी करते नजर आ रहे थे। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक कांग्रेस की फेक लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को ही उम्मीदवार दिखाया गया था। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस ने पूर्व सांसद श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिया। आपको बता दें, यहां से भूपेंद्र हुड्डा के करीबी राव दान सिंह को टिकट दिया गया है। श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुकी हैं। ये पहली बार साल 2009 में इसी संसदीय क्षेत्र से चुनी गई थी। रावदान सिंह महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के विधायक और इन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता रामबिलास शर्मा को इस सीट से हराया था। तो वहीं फरीदाबाद से पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। महेंद्र प्रताप की साफ और स्वच्छ छवि को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने इन्हें टिकट देने का फैसला किया है। तो ये 8 चेहरे हैं जिन पर कांग्रेस ने अपनी दावेदारी ठोकी है। आप इन 8 चेहरों को कितना मजबूत मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।